ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, भारत में सरकार के निशाने पर आलोचक, कार्यकर्ता और पत्रकार चुप कराने के लिए कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का कर रहे इस्तेमाल। 71 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का लक्ष्य, 20 दिन तक सेवा और समर्पण अभियान की तैयारी। पीएम के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही कांग्रेस, ट्विटर पर मोदी रोजगार तो टॉप ट्रेंडिंग में। व्हाइट हाउस ने कहा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ ऑक समझौता चीन के खिलाफ नहीं। इस समझौते को चीन ने गैर जिम्मेदार और छोटी सोच का उदाहरण बताया। कृषि कानूनों के विरोध में आज शिरोमणि अकाली दल का ब्लैक फ्राइडे मार्च। पार्टी ने ट्वीट कर कहा, रोकी जा रही पंजाब पंजीकृत गाड़ियां, प्रदर्शन से पहले दिल्ली बॉर्डर सील किए जाने का दावा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा पर चीन की नाराजगी से बचने के लिए कारोबारी सुगमता रिपोर्ट में बदलाव के लिए कर्मचारियों पर दबाव डालने का आरोप। अनियमितता के बाद रिपोर्ट बंद करेगा आईएमएफ। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री ने लद्दाख गतिरोध पर की चर्चा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव नहीं हुआ खत्म, कुछ मुद्दे अभी भी जस के तस।